दोस्तों, आज हम इंडिया के एक ऐसे यूटी की बात करेंगे जिस यूटी को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको इंडिया के तीन अलग अलग स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब कि अगर आप बात करें कि कभी आपको एक ऐसे यूटी में जाने के लिए कहा जाए जिस यूटी के डिस्ट्रिक्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो पहली बात तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरली जब हम कभी किसी स्टेट के मैप को इमेजिन करते हैं, इंडिया के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली हमको एक यूनिफाइड बाउंड्री समझ में आती है कि ये पर्टिकुलर इस रीजन से इस रीजन तक फैला हुआ है। अगर उस मैप को देखें तो हमको उसके फैलाव का एक हल्का फुल्का एक नज़रिया मिल जाता है, एक अनुमान मिल जाता है। लेकिन बात करें पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की, तो इसके केस में ऐसा नहीं है। अगर आप यूटी की बात करते हैं, पुडुचेरी यूटी में अगर आप जाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें टोटल चार डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यमन, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। लेकिन ये चारों डिस्ट्रिक्ट तीन अलग अलग स्टेट में, मतलब कि यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पुडुचेरी जिसको हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं ये तमिलनाडु में है, और माहे केरल में। और ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक पूरी यूटी पुडुचेरी बनाते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी के पार्ट में ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर कंबाइन कर आप यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी बोलते हैं। जिस पौंडीचेरी को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो तमिलनाडु में है, जिसको हम एक टूरिस्ट प्लेस की तरह समझते हैं या जिसका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी फ्रेंच कॉलोनीज के लिए। अगर हम वहाँ आज भी चले जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही सीनेरियो मिलता है जो फ्रेंच कॉलोनीज में या जो फ्रांस में आपको देखने मिलेगा। एग्जैक्टली सेम वहाँ बिल्डिंग्स है, पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 200 सालों तक यहाँ पर जो फ्रेंच कॉलोनीज रही है। तो देखिए बेसिकली पुडुचेरी का जो इतिहास है ना, वो फ्रेंच कॉलोनीज से पहले का कुछ रिटन एविडेंस नहीं है। जो भी कुछ हमें मालूम है वो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के बाद समझ में आता है। प्रेजेंटली अगर हम समझें तो 1963 से पहले तक भी इंडिया की आज़ादी तो 1947 में हो चुकी थी। छोटे मोटे स्टेट्स को आज़ाद करा के 1951 तक जोड़ लिया गया था। लेकिन जो पुडुचेरी वाला पार्ट था जिसके अंदर चार अलग अलग कॉलोनीज थी जो कि आज प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट है, जो है यमन, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी, इनकी आज़ादी 1963 में कम्प्लीटली इनको भारत में लिया गया। भारत में लेने के बाद क्योंकि ये चारों एक जैसे एनवायरनमेंट में एक जैसे लोगों के से बनी थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो इनको मिलाकर बना दिया यूटी जिसका नाम रख दिया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम चेंज हुआ 2006 सितंबर में और पौंडीचेरी से इसको पुडुचेरी कर दिया गया। प्रेजेंटली अगर बात करें तो टोटल 38 यूनियन यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स मिला लें तो उसमें 29 नंबर पे पॉपुलेशन में आता है। इसका जो तो टोटल जीडीपी है वो 2.8 बिलियन डॉलर है प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि करंट सीनरियोज की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस प्लस बीजेपी का अलायंस है। यहाँ पर टोटल 33 सीट्स है जिसमें 30 सीट पर लोग इलेक्शन करते हैं, जिस पर लोग अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। पुडुचेरी से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लो, आप सब्सक्राइब बिल्कुल ही करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।